तो इसके लिए दोस्तों आपको प्ले स्टोर पे जाके आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। उस ऐप का नाम है सिंपल पे लेटर, ये रहा ऐप, या फिर इस ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो सिंपल पे लेटर को आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पर डाउनलोड है, हम इसको ओपन कर लेंगे। इस तरीके से ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे प्रीसेट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गेट स्टार्टेड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देन जैसे क्लिक कर देंगे अपना यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, तो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट OTP वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन जैसे गेट OTP वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो अपना मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो OTP ले चुका है। लेने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे बेसिक सा अपना डिटेल्स डालना है, जैसे कि अपना फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम, और यहाँ पे अपना एज, और यहाँ पे जेंडर। तो सबसे पहले हम यहीं पे अपना नाम डाल देंगे। तो यहाँ पे अपना नाम क्या है, हम यहाँ पे अपना नाम डाल देंगे और यहाँ पे फर्स्ट नाम के बाद लास्ट नाम डाल देंगे। तो इस तरीके से अपना लास्ट नेम डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पे अपना एज डालेंगे। तो कौन सा अपना एज है, अपना एज यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे। तो जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे तो इस तरीके से जेंडर सिलेक्ट करने के बाद अपना यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे। तो कौन सा अपना ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे टिक मार्क वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन जैसे टिक मार्क वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई KYC वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अपना यहाँ पे OTP आएगा ईमेल पे, उस OTP को आपको यहाँ पे फिल करना है। OTP फिल करने के बाद कुछ इस तरह से प्रोसेसिंग होके इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों मेरा जी की 1200 रुपीज़ क्रेडिट मिल चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मेरा बैलेंस है जो कि यहाँ पे क्रेडिट हुआ है बिना कुछ डॉक्यूमेंट्स के, यहाँ पे जो कि 1200 रुपीज़ हमारा जो कि मिल चुका है क्रेडिट। तो यहाँ पे सारा दोस्तों आपका क्रेडिट स्कोर बेसिस पे आपको यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इस अमाउंट को आप किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो इस पैसे को दोस्तों आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको ऑनलाइन कुछ परचेस करना है तो यहाँ पे आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो इस पैसे से। जैसे कि आप स्विगी, जोमेटो या फिर मैंथरा जैसे वेबसाइट पे आप यहाँ पे इस पैसे को यूज़ कर सकते हो। यानी कि अगर आपको कुछ ऑनलाइन बाई करना है, ऑनलाइन खरीदना है, तो इस पैसे से आप ये ऑनलाइन खरीद सकते हो।